आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे ज्यादा वियर्ड फोबियाज के बारे में। एंड ट्रस्ट अस गाइड्स, व्हेन वी आर सेइंग वियर्ड एंड बिजार फोबियाज, वी एक्चुअली मीन इट। एंड प्रीव्यू के तौर पर हम आपको बताना चाहते हैं इलियोथेरोफोबिया, जो सिंबलाइजेस करता है फियर ऑफ फ्रीडम। एंड ऑल्सो आई डोंट वांट टू से दिस, बट दिस फोबिया वॉज ट्रूली इन्वेंटेड बाई इंडियन सीरियल्स नेम एज पेंथेरोफोबिया, जिसका मतलब होता है फियर ऑफ मदर इन लॉ। इन दिस केस यू कैंट ब्लेम द फोबिया। एंड कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये तो सिर्फ प्रीव्यू था। फोबिया दैट आर लिस्ट इन दिस वीडियो आर बिजार मोर देन यू कैन थिंक। शुरू करते हैं ऑप्टोफोबिया के साथ, जिसका मतलब होता है फियर ऑफ ओपनिंग वंस आईज। वेल, अगर दुनिया में मोस्ट इनकन्वीनियंट फोबिया का अगर कोई अवार्ड होता तो वो अवार्ड ऑप्टोफोबिया को दिया जाता। ऑल्दो द एक्ट ऑफ ओपनिंग आवर आईज इज समथिंग दैट फ्यू ऑफ अस एवर गिव थॉट ऑफ, तो वही ऑप्टोफोबिक के लिए ये सिंपल डेली एक्ट एक नाइटमेयर के बराबर का हो सकता है। एंड लकीली अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो यू मोस्ट लाइकली aren't सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन। कोरोफोबिया यानी कि फियर ऑफ डांसिंग। यदि कोई बैले डांसर, नाइट क्लब, छोटे बच्चे आपको अत्यधिक डर से भर देते हैं तो शायद आप सफर कर रहे हैं कोरोफोबिया से। एंड रिगार्डलेस ऑफ डांसिंग एबिलिटी एंड वेदर और नॉट यू आर रिक्वायर्ड टू हिट द डांस फ्लोर, और कोई भी ऐसा सिचुएशन जो डांसिंग से रिलेटेड हो वो भी आपको नाइटमेयर का एक लाइव डेमो दे सकता है। गैलियोफोबिया, अगर आपको किसी की हंसी सुनने के बाद डर नहीं लगता तो कॉन्ग्रेट्स, आप इस फोबिया से सफर नहीं कर रहे, क्योंकि इस फोबिया में लोगों को हंसी से डर लगता है। एंड ऑल्सो मेनी स्टडीज सजेस्ट दैट लाफ्टर इज ग्रेटर फॉर आवर हेल्थ, हेल्पिंग टू बिल्ड सोशल बॉन्ड, इम्प्रूव मेंटल हेल्थ एंड लुक आफ्टर द हर्ट। खैर, जो लोग इस फोबिया से सफर कर रहे हैं उनके लिए हंसना और ऐसे लोगों के साथ रहना जो लोग हंस रहे हो कैन एक्चुअली कॉज ओवरवेलमिंग फियर एंड एंजाइटी। अराकी ब्यूटेरोफोबिया, इस फोबिया में लोगों को ये डर लगता है कि कहीं पीनट बटर उनके मुंह में ना फंस जाए। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये हम कंटेंट के लिए नहीं बना रहे, ये सारे फोबिया एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। एंड ट्रूली सेइंग नो लिस्ट ऑफ वियर्ड फोबियाज वुड बी कम्प्लीट विदाउट द इंक्लूजन ऑफ आर्किब्यूटेरोफोबिया। पीनट बटर इज क्लियरली नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर हेल्थी एंड सेटिस्फैक्ट्री लाइफ, पर अपार्ट फ्रॉम दिस इस फोबिया का एक बोनस भी है जिसके हिसाब से ये कोलेस्ट्रॉल को लो कर देता है और हेल्प करता है हार्ट डिजीज से। जैसा हमने पहले ही बोला था कि फोबियाज की लिस्ट वियर्ड होती चली जाएगी, और अगर आपको आर्किब्यूटेरोफोबिया वियर्ड लगता है तो मिलिए हेलीफोबिया, जिसके हिसाब से इन लोगों को सनलाइट से डर लगता है। यहाँ तक कि बाहर जाना सनलाइट में कैन गिव यू सीवर फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड पैनिक। एंड हेलीफोबिया सिर्फ फियर ऑफ सनलाइट ही नहीं होता, दिस इज अ काइंड पीपल ऑल्सो फियर फ्रॉम ब्राइट लाइट्स। डीपनोफोबिया, बहुत सारे लोगों को एंजाइटी होती है सोशल होने से, वही डिप्नोफोबिया और भी ज्यादा स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस और ट्विस्ट के साथ आते हैं, एज पीपल फियर ऑफ कैरिंग ऑन अ कन्वर्सेशन वाइल ईटिंग। ऑल्दो दिस कैन कॉज डिसकम्फर्ट एंड ऑकवर्डनेस फॉर डिनर पार्टी गेस्ट, ऐसा लगता है जैसे डिप्नोफोबिक्स को खाना खाते समय चुप रहने से डाइजेशन वगैरह में कुछ ना कुछ तो मदद हो ही जाती होगी। नियोफोबिया, जहाँ कई लोगों को चेंजेस से डर लगता है, नियोफोबिया रेफर करता है इंटेंस और इरेशनल फियर ऑफ ऑल थिंग्स, एक्चुअली न्यू थिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस। नियोफोबिया इम्पैक्ट कर सकता है खुशियों और वेलबींग, क्योंकि जो इस फोबिया से सफर कर रहे होते हैं वो लोग बहुत सारे लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मिस आउट करते हैं। अगर इस फोबिया को डेली डाइट में अप्लाई किया जाए तो सोच के देखिए, ये कभी नया खाना भी ट्राई नहीं कर पाएंगे। ये लोग बचपन से दूध पर जी रहे हैं, और रिसर्चर्स ऑल्सो शोन दैट द स्ट्रेस ऑफ नियोफोबिया कैन शॉर्टन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। गैनियोफोबिया रेफर करता है ओवरवेलमिंग फियर ऑफ चिन्स, हाँ वो बॉडी पार्ट जो अटैच होता है हमारे लोअर पार्ट ऑफ फेस से। ऐसे ही कई फोबियाज हैं जो हमारे इनोसेंट बॉडी पार्ट से हो सकते हैं, जैसे गैनोफोबिया जिसका मतलब होता है फियर ऑफ नीज, चेरोफोबिया जिसका मतलब होता है फियर ऑफ हैंड्स, और इसी कास्ट का डिगाफोबिया विच रेफर्स टू फियर ऑफ एल्बो। ऐसे फोबियाज आपको नॉर्मल सोशल इंटरेक्शन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कर देते हैं, और इस फोबिया से सफर कर रहे लोगों को ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी होता है। एब्लूटोफोबिया, ये कंडीशन बहुत रेयर होती है एडल्ट्स में,
हाउएवर ऐसे लोगों को शावर वगैरह से बहुत डर लगता है क्योंकि एब्लूटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वॉशिंग एंड बाथिंग। खैर ऐसे लोगों के लिए गुड न्यूज भी है क्योंकि कभी कभी ना नहाना भी आपको हेल्प कर सकता है इन प्रिजर्विंग नेचुरल ऑयल्स एंड गुड बैक्टीरिया। पर इस फोबिया को अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना आपके सोशल और हेल्दी लाइफ में बहुत सारी दिक्कत खड़ी कर सकता है। एंड इन द एंड ऑफ दिस वीडियो वी लाइक टू इंट्रोड्यूस अ फोबिया विच वी ऑल कैन एग्री एज दिस फोबिया इज रिलेटेड टू फियर ऑफ रिलेटिव्स। जी हाँ आपने सही सुना, ये फोबिया रेफर करता है उन लोगों को जो अपने रिलेटिव से बहुत ज्यादा डरते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को अपने रिलेटिव के सामने एम्बेरसमेंट और इरिटेशन होती है और हम सब अपने रिलेटिव से डरते हैं, पर क्या इसे एक फोबिया बना लेना सही है? सोच के देखिए। और अगर आपको इस वेट फोबिया की और वीडियो चाहिए तो हमारे इस वीडियो पर 100 लाइक्स का गोल कंप्लीट करें और सब्सक्राइब करें पॉइंट्स रिमेन सेम चैनल और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारी वीडियो ना मिस कर सकें।